हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे HDFC स्टॉक के ऊपर, HDFC स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहता है और इस स्टॉक में चार्ट और आने वाला समय में कैसा मूवमेंट रहेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। HDFC स्टॉक का हम देखते हैं वन डे कैंडल चार्ट। किसी भी चार्ट को हम पहले देखने से पहले, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा, तो हम वन डे कैंडल चार्ट से हम देखेंगे। तो वन डे कैंडल चार्ट में देखेंगे आज जो हाई बनाया है 3000 के पास, आज हाई बनाए ऑल टाइम हाई के आसपास में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट दिया है रेजिस्टेंस थोड़ा तोड़ के अभी ब्रेकआउट दिया नहीं, और कल पता लग जाएगा इसमें कैसे ब्रेकआउट दिया है। 3000 पॉइंट अभी आसपास में वो क्लोजिंग दिया है। तो एक बार ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा, जब ये 3000 पॉइंट के ऊपर ही स्टे करेगा तभी हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम कैंडल मिला है, और ये वन डे कैंडल चार्ट है। पीछे का हम चार्ट देखेंगे तो इसका हाई तोड़ चुका है अभी तक, कम से कम ये जो पिछला का ये वाला हाई कम से कम 2950 का था, 2950 था, उसका हाई तोड़ के 3000 के आसपास ब्रेकआउट दिया है। किंतु हम देखेंगे 3000 ऊपर अगर स्टे कर गया, इसका मतलब ये आगे आने वाला समय में ये ऊपर की तरफ भागेगा, यानी 3100-3200 इसका टारगेट बनाता रहेगा। तो जितना बड़ा होता जाएगा कोई भी स्टॉक, उसका प्राइस, उसका उसमें मूवमेंट भी बहुत स्पीड में आता है। तो ये HDFC स्टॉक है। HDFC स्टॉक हर मूवमेंट के बाद, हर हाई टॉच के बाद थोड़ा गिरावट हुआ है। तो ये देखते हैं अगर गिरावट होता है तो आपको कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। आपका स्टॉप लॉस लेना है इसी हाई के आसपास, क्योंकि इसी हाई में कम से कम 5-6 बार एक हाई रेंज बनाया है। कम से कम ये 2900 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है ये हाई एक बार ब्रेकआउट होने के बाद बहुत बार ये नीचे आया है। अगर जब ये 3000 को सपोर्ट ले लेगा, अगर 3000 क्रॉस कर गया उसमें और नीचे नहीं आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है 3000 आसपास में, तो आपको वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और आगे के टारगेट तक कम से कम 3100-3200 तक टारगेट बना सकते हैं। आने वाला समय में ये अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 का एक हैवी स्टॉक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांस है। इसको अगर लॉन्ग टर्म बेसिक में देखेंगे, होल्डिंग करेंगे, तो आपका ये बढ़िया राय है, आप अच्छा सोच के लिए हैं। तो इसलिए मैं अगर रिकमेंड करूँगा, अगर प्राइस थोड़ा अगर 2900 के आसपास इसी रेंज पे अगर मिल जाए तो इस चांस ले जाइए, इसको स्टॉक बाय करिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर अभी भी बाय करते हैं तो आपको ध्यान देना है, स्टॉप लॉस नहीं हटाना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म बेसिक में बाय करते हैं तो आने वाला समय में ये 3500 तक, 3500 से 4000 से 5000 टारगेट बना सकते हैं। ये रहा HDFC स्टॉक का। HDFC स्टॉक अच्छा स्टॉक है, ये कम से कम दूर से अगर बहुत दूर से देखा जाए तो ये कि यू पैटर्न टाइप का बना रहा है। ये जो लाइन हम खींचा है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है। ये जीरो द डिमांड अकाउंट जिसका नहीं है और दूसरा अकाउंट में होगा, इसमें एक पिवट पॉइंट का इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट का इंडिकेटर दिया गया है जिसे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। अगर किसी का डिमांड अकाउंट नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक पर दिया गया है डिमांड अकाउंट का, वहाँ जाकर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा HDFC स्टॉक है। हम पीछे वीडियो में बताए थे एक इंडेक्स मैनेजमेंट है इसमें, यानी हम निफ्टी 50 स्टॉक के ऊपर दिए थे उसमें कैसे रहेगा मूवमेंट, और 18000 प्लस में ओपन हुआ था, हमारा वो टारगेट अचीव हुआ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग थैंक यू बोले। तो ये रहा, बीच बीच में मैं इंडेक्स का भी देता रहूँगा जब मुझे लगे मूवमेंट आने वाला है। और हमेशा मैं ज़्यादातर मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, लोग फंसे ना रहे, और स्टॉक लेने से आपको लॉन्ग टर्म व्यू में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही रहा इस वीडियो में, तो HDFC बैंक का व्यू में दे दिया, इसमें कुछ नहीं, आराम से इसका चार्ट भी बढ़िया है, इसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।